वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक्चुअली आज मैं बना रही हूँ क्लब सैंडविच। उसके लिए सबसे पहले मैंने बना लिया है कॉस्लो। कॉस्लो बनाने के लिए मैंने क्या किया, कैबेज को कट किया है। मेरे पास थी मायोनीज जिसको मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून, और जो है मेरे पास है नेस्ले की क्रीम जिसे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने डाली है 1 टेबल स्पून शुगर, सॉरी टी स्पून शुगर, और थोड़ी सी जो है काली मिर्च। इन सबको मिक्स करके और मैंने तैयार कर लिया है कॉस्लो, और उसको मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तो मैंने कर लिया है बॉयल जीजर गार्लिक पेस्ट डाल के, थोड़ी सी ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर डाल के। अब जो है मैंने क्या किया, फ्राई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ऑयल डालने के बाद चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया और साथ में ऐड कर दिया थोड़ा सा टिक्का मसाला, और इसे करूँगी लिटिल बिट फ्राई। प्लान हो गया है चेंज, तो ब्रेड के जो है मैंने किनारे जो है रिमूव कर लिए हैं, और जो है पहले जो है मैं इसको हल्के हल्के जो है ऐसे ही सेक लूँगी। अब बना रहे हैं चिकन टिक्का सैंडविच, तो पहले से कर लेते हैं फ्राई। अब मैंने 3 के ऊपर अप्लाई कर ली है मायोनीज, और 3 के ऊपर मैंने अप्लाई कर ली है केचप, और साथ में जो मैंने ये बनाई थी आपके सामने जब मैं कह रही थी कि मैं बनाऊंगी सैंडविच, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न है, मैं साथ ही दिखा देती हूँ, ये देखें गोल्डन कंट्री के स्वीट कॉर्न है, मैं ये सेलेक्ट करूँगी इसे। तो फिर ओके नाउ, तो पहले जो है इस पर अप्लाई कर लेते हैं एग्स, एग लेयर, और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर वो जो हमने कॉस्टलो बनाई थी वो। आपके ये मज़ेदार से ब्रेड चिकन टिक्का सैंडविचेस, और कोई वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं हुआ है सिवाय कैबेज के। तो चलें आप भी इंजॉय कीजिए और फिर बना के बताइएगा कि कैसे बने। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।